कहने वाला काम है
कहने वाला कौन है? खाकर कुछ नहीं, कहने वाला कौन है? सैयद तो नहीं है, कहने वाला कौन है जो सबसे बड़ा आया संसार में, जो सबसे बड़ा हमारे साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे गांव में जब मजलिस होती है, हमारे यहाँ जब मंदिर प्रसाद की बैठता है, तो दूसरी अखबार के लोग ये कहते हैं, दूसरे कबीले के लोग ये कहते हैं, दूसरे अशीरे के लोग ये कहते हैं कि ये लोग जब भी मजलिस करते हैं वाला है।
ऐलान में न कोई बयान कर सकता था न बयान कर सकता है। सुनिए, हमने माना है आयतों से। कितनी आयतें पढ़ी बताए आपको, कितनी आयतें पढ़ी बताए आपको? मैंने जो आपके सामने आयतें पढ़ी है वो 35 से ज्यादा आयतें कुरान की पढ़ी है, ताकि आपको ये बता सकूं कि मोहम्मद कौन है। हमने किसी ऐसे को नहीं माना कि जिसको मानने के बाद सर झुके। हमने तो माना ही ऐसों को है कि जिनका नाम लेने के बाद सर उठता है, और अगर यकीन ना आए तो आलम उठाने वाले को देखो, आलम कैसे उठाता है, आलम कैसे उठाते है? सर उठा रहता है। हमने ऐसे पूरी कायनात में अगर किसी के पास ऐसा हो तो लाए, किसी के पास ऐसा हो तो लेकर आए। तवज्जो, हमने ऐसे हुसैन को माना, वो रसूल कह रहा है हुसैन अमीनी नाम है, हुसैन मुझसे है, मैं मोहम्मद। ये हुआ एक तर्जुमा। अब सुनिए दूसरा तर्जुमा, और अगर लुत्फ ना आए तो मैंने मजलिस नहीं पढ़ी। तवज्जो, हुसैन मुझसे है, मैं मोहम्मद हुसैन से हूं। यह हुआ एक तर्जुमा। अब मैं दूसरा तर्जुमा करता हूं। 3 शाबान सन 4 हिजरी से लेकर 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी तक है हुसैन मिन्नी। तीन शाबान से लेकर 10 मुहर्रम तक
हुसैन के मानने वाले हो, समझो मजलिस और जुलूस में सच के मत आओ। मजलिस में और जुलूस में सच के मत आओ, मजलिस और जुलूस से सच के घर तक आओ। चलो थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज कर ले, जुलूस में चल रहा ये मकारी है। आप पहले मौलाना लोग कुछ बोलते थे, मौलाना बोलता है चुप। समझे, मां से काम ममा अम्मी जान अम्मा थोड़ा पैसा दीजिए, जा रहे बाल कटवा के आएंगे। वो बाल कटवा के अपने घर में आता तो अम्मा नहीं पहचान पाती कि हमारा बाल है या किसी और का है। आप खामोश है, मसला नहीं, ये हुसैनियत है। ये कर्बला ने सिखाया आपको, आड़े टेढ़े तिरछे बाल आसमान की तरफ जाने लगता है जैसे करंट लग गया बॉडी को। फटी हुई चीज पहन के खड़े हो गए जुलूस में मजलिस में, मातम कर रहे हैं तो चीज इतनी लटक रही है, इतनी लटक रही है कि बाल नहीं खड़े करेंगे। यानी अगर ये नमाज में खड़े हो जाए तो पीछे वाले की नमाज चली जाए। सुने मेरे पास, हमने कहा भैया ये बाल खड़े खड़े क्यों रखे हो, क्या बोलना फैशन। हमने कहा ये फटी हुई जींस क्यों पहने हो, लगता है गरीब कमेवाल ली कंपनी की है, उतना आपको लिफाफा नहीं मिलता जितना महंगे ये ब्रांड है। समझे, आप समझे इस बात, मैं फिर से कह रहा हूं कि 5 दिन की मजलिस स्पेशल खास तौर पर सिर्फ नौजवानों के लिए, बुजुर्गों से बड़ी मजलिस है। मैं 4G 5G यूज करता हूं, आपके दौर का मॉडल भी हूं, लिहाजा मुझे हक है कि मैं आज के इस दौर की बात आपसे करूं। तवज्जो, और ये इतने फजाइल पढ़ के आपको तैयार किया जैसे दाना डालने से पहले खेत तैयार किया जाता है। जाऊं जाऊं समझ लो वही सरदार पढ़ देने। देखे 14-15 स्टेट देखा, तुम क्या बताओगे?
जा रही है। एक जुमला मौला गया था क्या कहता चलो, मौला ने इरशाद फरमाया हल्लाल मुश्किल मौला कहना हजरत अली इब्न अबी तालिब स्कूल के नाम पर अगर घर से निकले हो तो क्लास अटेंड करो वरना फेल हो जाओगे। अगर स्कूल के नाम पर निकले हो तो क्लास अटेंड करो, कॉलेज के नाम पर निकले हो तो क्लास अटेंड करो, कहीं ऐसा ना हो कि गार्डन के चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो जाए। कुछ लोगों को था वो नहीं मान, तुमको देखा तो ये बड़ा मसला है, किसी की चीज फटी हुई थी देखा तुम आगे जाके बैठे थे मौलाना की नजर पड़ गई पूरी बैठी तुम्हारे। हमने कहा आलम उठाते हो वफादार बनो, अपने भाई का हक न खाओ। है वाली बच्चिया उन्हें क्या बता दिया इसके भाई भाई का या दुश्मन है,
हक न देता कि पित्तर मार दिए से, कोई एक हाथ मार दिए से, कोई एक पिस्सा मार दिए से, कोई एक लाठी मार दिए से, मौलाना की बात से। देखिए खबी आगे मौलाना वो बातें पढ़ता है बिल्कुल सही, किसी पे जाकर चिपक जाए तो वो ये समझता है कि मैंने पढ़ दिया। नहीं, अभी मेरी बात वहां से नहीं। आजकल बारिश का मौसम है, एक साहब जो है वो अच्छा साहब, उसको क्या बोलते हैं जो सीमेंट की चादर है छत पर डाल देती है, हाँ सीमेंट वाली चादर, ठीक है ना, वो लेकर आए और उन्होंने डाला, और जैसे ही डाला थोड़ी देर के बाद बारिश शुरू हो गई और इत्तेफाक से वो कहीं गलत था, तो चादर थी वो कहीं से गलत थी, जैसे ही बारिश शुरू हुई पानी टपकने लगा, पानी टपकने लगा, तो ये निकले बाहर कमर पे हाथ रखा, चल भैया जब हमारी छत टूटी थी तभी बारिश कर रही थी, तब तक उधर से एक बच्चे का गुजर हुआ, एक लड़के का, कहा चाचा अल्लाह से न लड़िए छत ठीक करवाइए। मैं यही कहना चाहता हूँ मौलवी को आलिम को हक बयानी से न रोको, अपने किरदार को इतना बना करो। अब सुनिए किस एक जुमले के लिए ये पूरी तबीयत बनाई, तवज्जो कौन से सुनिएगा, और वह जुमला क्या है, बाल दफा क्या होता है, गोली मार के तुम्हारे ऊपर गोली मार के तुम्हारा बाल टेढ़ा देखा था तभी मोरा पढ़ा, चीज ऐसी देखी थी तभी पढ़ा, क्या एक जुमला तो सादात के बस्ती है, एक अजीम जुमला आपकी जो समाधे वाले, अभी किसी की इतनी औकात नहीं हुई कि उसका तस्करा मिंबर से हो। यह मिंबर इसकी अजमत की कसम खाकर कहता हूं, खदीर की विलायत की कसम खाकर कहता हूं, यह मिंबर बना है बड़ों के तस्करे के लिए, और अभी तुम बड़े नहीं हुए। मदर दे नहीं आता,
इसलिए कि फादर डे मदर डे उनके लिए आता है कि जो साल भर में एक मरतबा अपने अम्मा अब्बा को पूछे। और जिसके ऊपर माँ बाप की इताअत वाजिब हो, ये जो आप जुलूस में कहते हैं लबैक, क्या उसे क्या कहते हैं लबैक, क्या क्या दिखाइए लबैक, क्या उसे कौन है नारे Ah!
बोलो ना, जमाना बदल गया। कहो 125,000, कहो 314, कहो उलूरज्म 4, कहो ईमान 13, कहो पंजतन 6, कहो अल्लाह 2। जमाना बदल गया। बोलता क्यों नहीं भाई? बोला ना, जमाना बदल गया। 1400 साल से हमारी कौम यही रट्टा मार रही है। 1400 साल से सबके लिए अल्लाह एक मासूम 14। बड़ों बड़ों का नाम भी पता नहीं, ये मजलिस का करम है। मासूम 14 तवज्जो। क्यों भैया ये 14? कुरान ये याद आया। अच्छा, आप कुरान को मानते हैं? हाँ, कुरान को मानते हैं। 1400 साल पुरानी किताब से बदलो, इसलिए कि एक आया था खारिज भी बदलने हराम।
साधार है। काश के मैं अपना कलेजा निकाल के रख देता आपके सामने और अपनी ताकत का इजहार करता आपके सामने। कला काम नहीं दे रहा है मगर एक कयामत का फिक्रा आपकी जोर में सवाल के हवाले कर रहा हूँ। कल भी दो रखकर आज भी दो रखकर कल भी चार रखकर आज भी चार रखकर कल भी तीन रखकर आज भी चार रखकर आज भी तीन रखकर कल भी चार रखकर आज भी चार रखकर कल भी हलाल आज भी हलाल कल भी हराम आज भी हराम कल भी मुस्तहब आज भी मुस्तहब कल भी मकरू आज भी मकरू कल भी मुबाह आज भी मुबाह। एक कौम के नौजवानों याद रखना जमाना उनके लिए बदलता है जिनके पास इमाम है जमाना। हैदर के नाम का चेहरा बताएगा हलाली है कौन कौन नारा हैदरी जो लावारिस है वो चाहे जैसे रहे लेकिन जिनका वारिस पर्दे से देख रहा उन्हें यह अथॉरिटी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे पहने जैसे नहीं। हमारी तहजीब हमारा कल्चर हमारा तौर हमारा तरीका ये सब हमें करबला से मिला और इसकी हिफाजत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जवाब तैयार है सवाल होगा इमाम की बारगाह में और खुद इमाम आपसे सवाल करेंगे कि क्या तुमने करबला सुना नहीं था। तो जब करबला सुन लिया था तो अपने आप को बदला क्यों? तुमने अपने माँ बाप की खबर क्यों नहीं ली? सवाल हुआ। तुमने अपने भाई का ख्याल क्यों नहीं रखा? सवाल हुआ। किसी की बेटी लेकर आए उसे तकलीफ न दो उसका ख्याल रखो इसलिए कि वो पूरी कायनात छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए आई है। अब तुम ही उसकी कायनात हो अगर तुम भी अपना मुंह फेर लोगे तो तुम कहां जाएंगे? करबला ने सिखाई कुछ रिश्तों पर भी बात होगी मगर इंशाल्लाह कल आज के मजलिस यही मुकम्मल कर रहा हूं। करबला सुनो करबला सोचो करबला समझो और करबला पे अमल करो। ये करबला है ये करबला है। अगर तुम ये कहते हो कि हम नौकर हैं नौकर क्या कहते हो हम नौकर हैं अजहर खाने के आलम के अलंकार के हुसैन के करबला वालों के तो फिर नौकर बन के रहते क्यों नहीं? नौकर कैसे रहते हैं? जैसे छोड़ गए नौकर कैसे रहती है मुलाजमा कैसे रहती है? जैसे बीवी किरदार है। यह वो किरदार है जिसका तस्करा आम तौर से जल्दी होता नहीं है। आज चलते जिन्होंने किस्सा की किस्मत क्या है नाम था नौजवान सुने तो पीछे खड़े हुए और अगर मोबाइल हाथ में है तो अपनी जेब में रखे मजलिस सुने मजलिस जनाब फिजा सलामुल्लाह अलैहां नाम है मैमूना। क्या नाम है? मैमूना।
ये नाम याद होना चाहिए। जैसे जनाब मुतालिब नाम है इमरान, जैसे अब्द मनाफ नाम है शैबा। आज ही मैं क़िबला के घर बयान कर रहा हूं तो मुंतखब तारीख तबरीज इंतजाम कर उसको पढ़ना है तो उसमें बड़ा तफसील से दस गया खानदान सबल एक किताब जनाब किस्सा बहुत आराम से सुनिएगा थोड़ा सा दो या चार मिनट आपका होगा यकीन अलामदान बहुत जुलूस था आपकी थकावट और खुद अपनी तबीयत का मुझे भी नहीं रहे सुनिए जनाब फिजा में जनाब सहरा को देखा और सिर्फ देखा नहीं बहुत वो राज जो कायनात के किसी को पता नहीं वो फिजा को पता रसूल अल्लाह को देखा तो दो मौलाए कायनात को देखा मासूम व्यक्ति जिनका झूला झुलाने के लिए फरिश्ते आसमान से आते थे फिजा उनका झूला झुलाती थी नाम हसन और हुसैन कितने हुए पांच कितने हुए पांच इमाम जैन आपकी को अपनी गोद में पाला कहते हुए करबला के मैदान में इमाम बाकिर को अपनी गोद में रखा सुभान अल्लाह कहते हुए जो एक इमाम के करीब हो जाए उसकी क्या आज़मत है और जो सात में से चार को पाले उसे पिज्जा कहते हैं आपको खुदा सीरिया की ज़ियारत नसीब करे आप वहां जाए तो एक कब्र है मकाम रसूल हुसैन के पास कब्रस्तान में जनाब पिज्जा की कब्र है बीबी फिजा ने रसूल अल्लाह का जनाजा उठाने के लिए कोई नहीं आया ये अपनी आंख से देखा जनाब सहरा पर चलता हुआ दर गिरा मोहसे शहीद हुए पसलियां ढूंढ गई जनाब फिजा ने अपनी आंख से देखा मौलाए कायनात का सर दो हिस्सों में तकसीम हो गया फिजा ने अपनी आंखों से देखा इमाम हसन के जनाजे पर तीर चले हसन का कलेजा 72 टुकड़े तश्त में गिरे फिजा ने देखा इमाम हुसैन का जनाजा आए और सात मरतबा आगे बढ़े सात मरतबा पीछे
शाम में एक बच्ची को ऐसे ही दफना दी अपने हाथ